हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने द क्लेवर कैप्चरर बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आइटम किए। बच्चों, आज उसी से रिलेटेड लेसन द क्लेवर कैप्चरर पेज नंबर 35 हमारा ग्रामर स्किल है बच्चों, जिसका हमारा टॉपिक है एडवर्ब। बच्चों, एडवर्ब को हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में जब ग्रामर में टॉपिक करवाया था एडवर्ब, आपको बताया गया था व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब व्हाट वी डू, व्हेन वी डू एंड हाउ वी डू, कब, क्या और कैसे करना है। वर्ब को आगे पहचान बनाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में एडवर्ब को विशेषण भी कहा जाता है। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताता है। एडवर्ब डिस्क्राइब अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। वी यूज एडवर्ब टू डिस्क्राइब, हम एडवर्ब को विशेषण को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णित करते हैं। व्हाट वी डू, कब, हमें क्या करना है। व्हेन वी डू, कब करना है। इट एंड हाउ वी डू इट, हमें कैसे करना है। वी यूज एडवर्ब व्हेन वी से थिंग, हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं आई वर्कड हार्ड ऑल डे, मैंने तो सारा दिन कठिन कार्य किया। तो यहाँ पे क्या बच्चों, हार्ड। मैरी रन्स फास्टर देन जोहन, मैरी जोहन के मुकाबले, जोहन की तुलना में, यहाँ पे देन तुलना की गई है, अधिक तेज दौड़ती है, फास्टर। वी यूज एडवर्ब व्हेन वी से दैट, जैसे हम कहते हैं माय फादर ड्राइव्स वे टू फास्ट, मेरे पिताजी चालक बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं। और आई वोक अप लेट टुडे, और आज मैं देरी से उठा। और आफ्टर डिनर टू नाइट वी आर ऑल गोइंग टू सी द मूवी, डिनर के बाद, रात्रि भोज के बाद, आज रात को हम कहाँ जाएंगे, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, देखो बच्चों, आपको ये बताई थी कि इसकी पहचान एल वाई होती है, इसमें वर्ब के साथ एल वाई जुड़ा जाता है, जिससे ये एडवर्ब बन जाता है। बच्चों, फर्स्ट इज जेनिफर रन्स क्विकली, जेनिफर तेजी से दौड़ता है। दौड़ता है कैसे, तेजी से। ये रन यहाँ पर उसका वर्ब है बच्चों, वह क्रिया कर रहा है कि दौड़ रहा है, बट क्विकली यहाँ पर उसका एडवर्ब बताया गया है। सेकेंड इज अमंदा वॉक स्लोली, अमंदा धीरे चलती है, चलती है कैसे, धीरे। ये अमंदा की विशेषता बताई गई है कि वह धीरे चलती है, ये उसकी क्रिया है कि वह चलती है। थर्ड इज दे वॉन द मैच इजली, वे आसानी से मैच जीत जाएंगे, इजली आसानी से। वॉन जीतना, जीतना यहाँ पर उनकी वॉन का वर्ब है बच्चों, और इजली उनका एडवर्ब है। फोर्थ इज ही बिहेव्ड वेरी बैडली, उसका व्यवहार बहुत क्रूरतापूर्ण था, गुस्से वाला था। बैडली इज हेयर एडवर्ब। जोहन ड्राइव्स एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत अधिक तेजी से, जोहन बहुत अधिक तेजी से गति से गाड़ी चलाता है। यहाँ देखो बच्चों, क्विकली, स्लोली, इजली, बैडली, एक्सट्रीमली आर एडवर्ब, को बताएं ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर डी इज अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस, बच्चों आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें में से आपने अंडरलाइन करना है एडवर्ब को। ओके बच्चों, फर्स्ट इज विमल वाज लर्निंग हिज लेसन लाउडली, विमल अपना पाठ पढ़ रहा था तेजी से, पढ़ रहा था, लर्निंग हियर इज द वर्ब एंड एडवर्ब लाउडली, तेजी से। सेकेंड इज द स्टूडेंट्स प्लेड जॉयफुली, विद्यार्थी खेल रहे थे खुशी के साथ, आनंद से, जॉयफुली इज हेयर एडवर्ब। थर्ड इज शी हैज रिकवर्ड कम्प्लीटली, उसने जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर लिया, ठीक हो गया, हेयर इज एडवर्ब कम्प्लीटली। फोर्थ इज ही रियली डू नॉट केयर, वह वास्तव में सावधानी से नहीं रहता, रियली। फिफ्थ इज ही स्पोक सॉफ्टली, वह आराम से, मधुरता से बोलता है, सॉफ्टली इज हेयर एडवर्ब। सिक्स्थ इज दे कैन स्विम क्विकली, वे तैर
शीघ्रता से तैर सकते हैं, क्विकली जल्दी से, क्विकली इज हेयर एडवर्ब। सेवंथ इज द शी टॉक्ड लाउडली, वह तेजी से बोलती थी, लाउडली इज हेयर एडवर्ब। एट्थ इज द सन शाउन ब्राइटली, सूर्य तेजी से चमक रहा था, ब्राइटली इज हेयर एडवर्ब। नेक्स्ट वन इज लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, आपने यदि ये स्टोरी केयरफुली सुनी है देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आपने रियल में अगर ये स्टोरी को पढ़ा था, वीडियो को रियल में सही तरीके से सुना था, तो आपने क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर ए इज द कैप्सुलर वांटेड टू किल मंकीज, क्या टोपी विक्रेता बंदरों को मारना चाहता था? नो, द कैप्सुलर वांटेड टू हिज कैप्स बैक, क्या टोपी विक्रेता ने अपनी सभी टोपियां वापस ले ली थी, वापस लेना चाहता था? यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हैव यू सीन मंकीज इन योर नेबरहुड, यदि बच्चों आपने अपने घर के आसपास बंदर देखे हैं, हाउ डू दे बिहेव, वे कैसे बिहेव करते हैं? व्हाट डू दे लाइक टू ईट, वे खाने में क्या पसंद करते हैं? आपने इसके बारे में बच्चों अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। हेयर इज गिवन डिस्कस इन क्लास बट नाउडेज योर क्लास इज डिस्टर्ब सो यू डिस्कस अबाउट इट योर पेरेंट्स एंड योर सिस्टर ब्रदर। आपने डिस्कस करना है बच्चों कि मंकी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका क्या बिहेव होता है, आपने इसके बारे में उनसे डिस्कस करना है। टुडे इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वन इज योर टर्न, क्वेश्चन है बच्चों लुक केयरफुली, पुट अ टिक अगेंस्ट द क्रॉस स्टेटमेंट एंड क्रॉस रॉन्ग स्टेटमेंट। यदि बच्चों आपका स्टेटमेंट करेक्ट सही है तो आपने राइट टिक करना है, यदि रॉन्ग है तो आपने रॉन्ग टिक करना है। ऑफकोर्स फर्स्ट वन इज हॉर्स लिव इन ए कूप, हॉर्स कूप में रहता है? नो बच्चों, हॉर्स लिव इन ए स्टेबल, दैट इज फॉल्स, दैट इज रॉन्ग। सेकंड इज होम इज आल्सो कॉल्ड शेल्टर, घर को शरण या आश्रय स्थल भी कहा जाता है? दैट इज राइट। थर्ड इज ए डॉग लिव इन ए कैनल, कुत्ता कैनल में रहता है? राइट, थर्ड इज राइट। फोर्थ इज ऑल एनिमल्स डू नॉट नीड होम टू लिव, सभी जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं होती? रॉन्ग बच्चों, सभी को शेल्टर की नीड होती है। नेक्स्ट फिफ्थ इज अ फिश लिव इन स्टेबल, फिश स्टेबल में रहती है? नो बच्चों, मछली जल की रानी है, फिश वाटर में रहती है, फिफ्थ इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ विल्ड एनिमल एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, टुडे इज योर होमवर्क। बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आपने कुछ विल्ड एनिमल्स की फ़ोटो लेके, आप बच्चों अपने ओल्ड नोट ओल्ड बुक से भी कट कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और आपने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर पेस्ट करके उनके नेम भी राइट डाउन करने हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर योर टर्न आल्सो फिल इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर टू आल्सो डिस्कस विद योर पेरेंट्स मंकी हैबिट्स एंड फूड। फिल क्वेश्चन नंबर वन इन योर बुक एंड ग्रामर स्किल पोर्शन क्वेश्चन नंबर डी इज आल्सो अंडरलाइन, रीड केयरफुली एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने आज अपना होमवर्क करना है, एडवर्ब को केयरफुली रीड करना है, और आपने क्वेश्चन नंबर डी को अपने होमवर्क में अंडरलाइन इस तरीके से अंडरलाइन करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।